सही गाइस, मैं बना रही थी दही के कबाब। तो इसमें मैंने यहाँ पे दही को हैंग दही रखा है, उसमें मैंने प्याज डाला छोटे छोटे, आप इससे भी बारीक प्याज काट के डाल सकते हो। और ये घर का पनीर था वो मैंने मैश करके हाथ से डाला। आप चाहो तो मतलब क्या बोलता है, एकदम पहले ही पनीर जैसे फटता है तो आप वैसे ही डाल सकते हो बिना फेटे हुए। तो आप जैसे भी डालो, पनीर अच्छा ही लगता है खाने में। उसके बाद मैं इसमें कुछ कुछ मसाले ऐड करूँगी, मतलब कुछ कुछ और चीज़ें जो मैं लाने के लिए बाहर गई थी। इसीलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं हूँ और कैमरा ऑन है, और बहुत दिन बाद मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी अच्छा फील नहीं कर रही थी। और मैंने इसमें फिर कॉर्नफ्लावर डाला, मैंने अंदाजे से डाला, बट ये लगभग 2 चम्मच था छोटे चम्मच से। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाली। सूजी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालना, बट मुझे क्रंच के लिए सूजी अच्छा लगता है। और सूजी से क्या होता है ना कि ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होता है जब आप इसमें तलोगे तो। और इसमें फिर मैंने गोलकी पाउडर मतलब ब्लैक पेपर डाला। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक डालूंगी। आप चाहो तो यहाँ पे काला नमक मतलब पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर डाला, क्योंकि मुझे लाल मिर्च इतना अच्छा नहीं लगता खाने में। और फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जस्ट फॉर फ्लेवर, आप इसको हटा भी सकते हो। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला ये ऑरिगेनो जो मैंने किया का है, और बहुत ही अच्छा है, सो आप लोग भी ट्राई करना। फिर मैं इसको हाथों से मिला लूँगी और एकदम क्या कहते हैं ना, अच्छे से एकदम मिस मिस के मिला लेना। अगर आपको इस टाइम पे लगे कि यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और लगेगा या सूजी और लगेगा तो आप इसमें डाल देना, बट ज़्यादा मत डालना। ज़्यादा डालने से क्या होगा ना कि सिर्फ उसी का फ्लेवर आएगा, दही और पनीर का फ्लेवर नहीं आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स रखा हुआ था तो मैं उसको डाल रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से बाइंड हो जाए। उसके बाद अच्छे से मिला विला के मैं इसको एकदम रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद बताती हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं। आप इसमें चाहो तो धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आज अवॉइड ही किया। उसके बाद इसको हल्के हाथों से ऐसे गोल गोल बाइंड करना। आप चाहो तो हाथ में ऑयल या फिर पानी लगा के भी कर सकते हो अगर आपसे नहीं होता है तो। और सूजी का मैं कोटिंग दूंगी, आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स का कोटिंग दे सकते हो, आप चाहो तो मैदा का दे सकते हो, वो आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और फिर मैं इसको सरसों के तेल में सिकूंगी। यहाँ पे तेल धुआं धुआं हो गया है, मैं एक एक करके इसको डालूंगी। आप चाहो तो दो दो तीन तीन करके डालो, बट एक एक करके अगर आप फ्राई करोगे ना तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा अगर आपका तेल कम है तो। इस तरीके से ये हो गया रेडी, और अंदर से देखो ये कितना सॉफ्ट है। मैं इसको चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ, आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हो। गाइस, मेरी हालत देख रहे हो आप लोग, मैंने अभी घर में वर्कआउट किया है, घर में जुम्बा किया है, मैं बाहर नहीं जा सकती ड्यू टू हर, इसकी वजह से कहीं नहीं जा रही जिम। बट इसका ये मतलब नहीं जो मेरा मोटिव था 2 महीने में पतले होने का, वो मैं नहीं होंगी। इनफैक्ट मैं बहुत शरीर से परेशान चल रही हूँ, इस वजह से आज मैंने घर में ही किया और मेरी मेहनत थोड़ी सी तो दिख रही होगी। मैंने शूज़ वूज़ डाल लिया, स्पीकर पे गाना चला दिया एंड स्टार्ट हो गई मैं अपने। और आज थोड़ा सा मैंने खा के किया क्योंकि एनर्जी थोड़ी लो थी, बट आई एम फीलिंग मच बेटर। बस अब जाती हूँ, हाथ मुँह धोंगी और अपने धनवी को पकड़ूँगी। और आज मैंने कुछ रेसिपी शूट करी है तो वो भी मैं डालूँगी। आप लोग बताना रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, बाकी मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने व्लॉग अभी मतलब वेलकम अभी किया है, बट व्लॉग मैंने शूट कर दिया है और मैंने फेस वॉश भी किया। उसके बाद भी देखो मुझे पसीना लिटरली अभी तक आ रहा है। मैं आई गेस कि मैं जिम क्विट कर दूँगी क्योंकि धनवी को लेके मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है जिम जाने में। बट कोई ना, मैंने थोड़ा सा लगा था उस टाइम पर कि बच्चा हो जाने के बाद लाइफ रुक जाती, बट नो, मैं उस चीज़ से निकल आई। अब मुझे नहीं लगता। और इनफैक्ट मैं जब जुम्बा कर रही थी, धनवी तो इन्जॉय कर रही थी कि मम्मा कर क्या रही है भाई। नहीं,
और हाँ, मैंने एक बार और जब अपना वेट रिड्यूस किया था तो भी जुम्बा करके किया था। मैं उसका फुल डिटेल आपको दूंगी कि किस तरीके से आप भी वेट रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जुम्बा। एंड कोई भी एक्सरसाइज अगर आप घर में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट डांस एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होता है आपके बॉडी को, मतलब पूरा ही एकदम अंदर से ये कर देता है, पंप दे देता है एक। तो आप घर पे आराम से कर सकते हो, योगा वगैरह भी आप कर सकते हो अगर आप इतने फ्लेक्सिबल हो तो। मेरे से योगा नहीं होता है क्योंकि मैं योगा में लिटरली टाइम पास ही कर लेती हूँ, ये आसन वो आसन के चक्कर में मैं बस टाइम पास करती हूँ। बट जुम्बा एक ऐसा चीज़ है, डांस, लाइक आई लव डांस, तो उस वजह से मुझे हो जाता है। और लिटरली देखो मुझे पसीने, मतलब मैंने फेस पूरा वॉश किया फिर भी मुझे अंदर से पसीना आ रहा है। एंड आज मैंने 45 मिनट्स जुम्बा किया है, 15 मिनट्स मैंने वार्म अप किया, बॉडी को थोड़ा फ्री किया। और मैंने क्यों किया अभी मैं बताती हूँ। मैं नाश्ता लेके बैठी, मैंने खाया और खाते के साथ मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, और बार बार चक्कर आना, बार बार चक्कर आना, इट्स नॉट गुड। और हेल्थ से बहुत बहुत परेशान, बहुत परेशान हूँ मैं। सो दैट्स वाई मैं अपने बैक टू वापस वही पुराना वाला रूटीन में आऊँगी। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा जाने के बाद लाइफ रुक जाता है, इनफैक्ट आपका बच्चा आपको और हिम्मत देता है। क्योंकि जब मैं लो फील करती हूँ, लो रहती हूँ, तो धनवी को देख के ही मुझे लगता है कि नहीं, इसके लिए मुझे ये करना है, उसके लिए करना है। सो बस अब धीरे धीरे थोड़ा सा अपना लाइफ को नॉर्मलाइज करूँगी, पढ़ाई भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी। और पढ़ाई के लिए धनवी बस 1 ईयर की हो जाए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा समझती है, समझदार भी हो गई है। रात में 2-3 बार उठती है, पहले तो पूरी रात जगती थी, अब 2-3 बार उठती है तो मतलब नींद डिस्टर्ब रहता है मेरा, बट पहले कितना नहीं रहता है। सो ये इतनी मच्योर है। बाकी लिटरली जब बॉडी थोड़ा हल्का फील होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और जिम जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और जिम जाने का फ़र्क भी बहुत नज़र आ रहा था। बट जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में जिसके छोटे बच्चे हैं, वो जिम नहीं जा पाती है ड्यू टू सम रीजंस, बहुत सारे लाइफ में रीजंस होते हैं। तो आप घर पे जुम्बा वगैरह करो, कर सकते हो। अगर आप योगा में प्रो हो तो योगा करो, जुम्बा में प्रो हो तो जुम्बा करो, कुछ भी करो, बट आधा घंटा 1 घंटा अपने बॉडी को दो, वो ज़्यादा अच्छा है। और धीरे धीरे जब धनवी थोड़ी बड़ी होगी, तब रात में सोना स्टार्ट करेगी, तो धीरे धीरे मैं अपने लाइफ में नॉर्मलाइज होंगी, बाकी अपना देखती हूँ। बट नहीं, मुझे लगा था कि मेरा एक्सरसाइज गिव अप हो गया, मैं अब नहीं कर पाऊँगी, जिम छूट गया, बट नहीं, ये मेरे लिए और अच्छा ही हो गया। धनवी भी मेरे साथ बहुत सारा टाइम रह पाती है, और जिम में तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी लगता था, बट मैं ठीक हूँ। अब जब धनवी बड़ी हो जाएगी, मतलब 1.5 साल 2 साल की हो जाएगी, तो फिर मैं जिम ज्वाइन करूँगी फॉर श्योर, तब करूँगी। तब तो धनवी 2 साल की रहेगी तो मुझे फिक्र नहीं है उसका उतना, अभी अभी छोटी है तो इतनी मच्योर है, बड़ी होगी तो और भी मच्योर होगी। और जब ये स्कूल ट्यूशन, जब ये ट्यूशन जाएगी तो मैं जिम चली जाऊँगी, ऐसा कुछ करूँगी इस तरीके से, बट देखती हूँ। और आजकल तो बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी स्टार्ट करना है मुझे, क्योंकि अगर ये बड़ी होकर मान लो कोई क्वेश्चन कर दे, कुछ पूछ ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी हम अपने पेरेंट्स से पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वैसा नहीं पूछ पाते हैं, तो ऐसा इन लोग के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए बस, एंड मैं अपना ये धन भी मेरे लाइफ में रुकावट नहीं है, तो ये चीज़ नहीं है, और बहुत अच्छे से मेरे से मैनेज हो जा रही है। हाँ अभी थोड़ा खाने पीने में नखरा करती है, खिलाना मुश्किल है इसको मेरे साथ, बट धीरे धीरे वो भी मैनेज हो जाएगा, धीरे धीरे हर चीज़ मैनेज हो जाएगा, मुझे इतना फिक्र ये वो नहीं है। बाकी आप लोग मेरा ब्लॉग इन्जॉय करना, एंड थैंक यू इतने सारे सब्सक्रिप्शन देने के लिए। सो बस बाय, एंड अगर मिलूंगी कल किसी से पूछे, अगर मिलूंगी तो मिलूंगी, वरना ब्लॉग यहीं पेन करूंगी। और मैंने खिड़की खोल रखी है, मच्छर आएगा ही आएगा, बट मैं क्या करूँ, मुझे गर्मी इतना लग रहा है ना करने के बाद, देखो पसीना पसीना पूरा मेरा बाल भीग गया है। और धनवी के लिए, धनवी से आए, ये क्या है, ये तुमको कहाँ से मिल जाता है? हाय, ये दोपहर का है, धनवी की थोड़ी मस्ती चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग से शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनवी को देखना लिटरली बहुत पसंद करते हैं। सो एंजॉय करो इसकी बदमाशी। चाचा 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 चाचा।
रणवीर, ये बेटा ये बेटा ये रे धोनी, रणवीर, ये धन टोनी, टोनी, ए रणवीर, ए रणवीर, ए रणवीर, बाबू बाबू देखो इधर, हाय धनवी, हाय धनवी, हाय धनवी, इधर 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 इधर, हाय धनवी, हाय धनवी, हाय धनवी, बड़ा मजा आला है।